हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग एक ही विषय या क्षेत्र में अपनी लगन लगाते हैं, लेकिन दिवंगत श्रीकांत जिचकर इससे परे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, वकील, एमबीए, विधायक, पीएचडी, अभिनेता, पेंटर और फोटोग्राफर हो सकता है? इसका उदाहरण है श्रीकांत जिचकर। ये वो व्यक्ति हैं जिनका भारत के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति, द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन ऑफ इंडिया के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। श्रीकांत जिचकर उन सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जिनके लिए एक एजुकेशनल डिग्री अर्जित करना भी मुश्किल है, जबकि आज के उन्नत युग में लोगों के पास टेक्नोलॉजी तक पहुंच है। लेकिन जिचकर ने उस समय में दो या चार नहीं बल्कि 20 से अधिक डिग्री अर्जित की। जब मोबाइल या इंटरनेट से शिक्षा संबंधित पहलुओं को सीखने में मदद करने वाली कोई सुविधा नहीं थी। आज की इस वीडियो में आपको डॉक्टर श्रीकांत जिचकर के बारे में कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो आपको अपनी आरामदायक जिंदगी में कुछ कर गुजरने और हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगी। श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंजन गांव में एक संपन्न मराठा परिवार में हुआ। उनके पिता एक किसान थे। श्रीकांत जिचकर ने अपने करियर की शुरुआत एक डॉक्टर के रूप में की। इसके लिए उन्होंने MBBS, MD की डिग्री हासिल की और कई वैज्ञानिक शोध भी किए। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए LLB, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल लॉ LLM की डिग्री ली, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन DBM और MBA की भी डिग्री ली। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में बी जर्नलिज्म की डिग्री ली। श्रीकांत जिचकर ने इन 10 विषय में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, MA इन लोक प्रशासन, MA नागरिक शास्त्र, MA अर्थशास्त्र, MA संस्कृत, MA इतिहास, MA इंग्लिश साहित्य, MA दर्शन शास्त्र, MA राजनीतिक शास्त्र, MA प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति ऑफ लेटर्स, MA मनोविज्ञान और संस्कृत में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री हासिल की। यह डिग्रियां उन्होंने सन 1972 से 1990 के बीच 40 से अधिक यूनिवर्सिटी परीक्षाएं देकर उनमें से 20 डिग्रियां ही हासिल कर पाए। लेकिन श्रीकांत जिचकर ने ज़्यादातर विषय में प्रथम श्रेणी हासिल की और 28 गोल्ड मेडल भी जीते। श्रीकांत जिचकर ने महज 24 साल की उम्र में 1978 में सिविल सर्विसेज परीक्षा दी, जिसमें उन्हें IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस विभाग मिला, लेकिन उन्होंने IPS ज्वाइन नहीं किया और फिर से 1980 में सिविल सर्विसेज परीक्षा दी। इस बार उन्होंने IAS की परीक्षा पास की, लेकिन 4 महीने बाद ही इन्होंने IAS के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और सन 1980 में महज 25 साल की उम्र में अपनी योग्यता के दम पर महाराष्ट्र असेंबली MLA बनकर सबसे कम उम्र में MLA बनने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने ज्ञान और शिक्षा के बूते श्रीकांत ने राजनीति में मजबूत पकड़ हासिल कर ली। जल्द ही उन्हें ताकतवर मंत्रालय भी मिल गया। उनकी योग्यता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें 14 विभाग सौंप दिए गए थे। 1986 से 1992 तक वो महाराष्ट्र विधान परिषद और 1992 से 1998 तक वे राज्यसभा के सांसद रहे। अब तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को पढ़ाई और पुस्तकों से कितना प्यार था। यह फैक्ट्स आपको दिलचस्प लगेगा कि उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी भी थी जिसमें 5200 किताबें थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी, जो एक रिकॉर्ड है। ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु 2 जून 2004 में नागपुर के पास कोडली गांव में एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया। उनके निधन पर कई सवाल उठे, जिसके बाद 2 नवंबर 2013 को अदालत ने ST निगम को कार चालकों के लिए जिम्मेदार ठहराया और जिचकर के परिवार के सदस्यों को 50,70,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। हमें गर्व है कि इतने ज्ञानी और प्रतिभावान व्यक्ति होने के बावजूद भी डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाई और देशवासियों की सेवा करने का फैसला किया।